उमरिया प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आदिवासी संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत जिला मुख्यालय में धारावी स्लम एरिया में नालसा की आदिवासियों के अधिकारों संरक्षण एवं प्रवर्धन के लिए विधिक सेवा 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, एससी एसटी अत्याचारण निवारण अधिनियम 189 एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकारों एवं आरक्षण की व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिविर को संबोधित करते हुए विधिक अधिकारी बीडी दीक्षित ने उपस्थित निवासियों से मध्य प्रदेश भारत शासन व न्यायपालिका ने जो जनहितकारी योजनाएं आपके लिए बनाई हैं उसका आप उपयोग करें। साइप्रस मिलेनियम डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ अभियान विश्व संवाद केंद्र अक्षय न्यूज एजेंसी AAF मुंबई के प्रभारी विजय आनंद कुमार जोशी ने कहा कि आप लोगों को कोरोना संक्रमण काल में भी सहायता की गई थी। आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपने विधिक अधिकारों व केंद्र व राज्य दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर नगरपालिका चौक स्थित साइप्रस परिसर में आकर या जिला न्यायालय के विधिक प्रकोष्ठ में अपनी मांग रख सकते हैं, जिसे पूरा करवाने में हम समर्पित होकर आपका सहयोग करेंगे। शिविर में प्रमुख रूप से महेश तिवारी साइप्रस के मैनेजर उमरिया, माइन पुखराज जूनागढ़ राकेश नामदेव, श्रवण सोनकर, अनंत कुमार आदि उपस्थित रहे। शिविर में संवाद व चर्चा उपरांत हीरा बसोर व स्वप्निल ने कहा कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है हम उसका पूरा आने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमें अपने विधिक अधिकारों व भारत मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जा रही लाभान्वित योजनाओं का पता ही नहीं था। आज 6 दिन पहले से 4 बार फोन कर चुका हूँ, तो आप लोगों को जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा। तब जो है शासन प्रशासन और जो आपकी संस्थाएं हैं आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है आप देखिए, आप बीच में आ गए, पकड़ लीजिए, चालू है, पकड़े पकड़े मैं जा रहा हूँ, आइए। तो ये बताइए, ये जितने बच्चे हैं सारे स्कूल जा रहे हैं, किसी को पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं, सरकारी स्कूल से ही पढ़ के जो है, अभी जैसे राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति से बड़ा पद नहीं होता देश में, लेकिन वो मुर्मू मैडम जो है कहाँ से कहाँ, वो भी आदिवासी से कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, लेकिन आज राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तब जाके जो है सारी चीज़ें मिलेंगी और आप गरिमा में जीवन जी सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार गरीब पीड़ित असहाय लोग जो न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण इलाकों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे सभी लोग समान रूप से न्याय प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी लोगों के मन में राष्ट्र भावना जागरूक हो। इसी उद्देश्य से डालका और नालसा कार्यरत है। धन्यवाद।